नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। चित्रकूट के नवागत एसपी विद्रा शुक्ला से कानून व्यवस्था को लेकर दिनेश सिंह कुशवाहा ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान एसपी महोदया वीरेंद्र शुक्ला ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता चित्रकूट जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। जिले के कई थानों में हो रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में बातचीत की गई, जिसमें सुने क्या कुछ बोली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शुक्ला। इस वक्त है चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वीरेंद्र शुक्ला जी। जानते हैं कि चित्रकूट में किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के इंतजाम किया गया। जी मैम, चित्रकूट के लिए में कानून व्यवस्था के लिए किस प्रकार से इंतजाम किया गया है, जैसे कि थानों से लगातार मामले निकल करके यहां तक आते हैं। जी, उसको नियंत्रित करने के लिए अब एक ये व्यवस्था बनाई है कि मेरे कार्यालय में जो भी पेश हो रहा है अपनी थाने से संबंधित समस्या लेके, वो प्रार्थना पत्र हम भेजते हैं और अब अनिवार्य रूप से थाने को उसमें 5 दिन के अंदर कार्रवाई करके वापस भेजना है। और अब नियम ये बनाया है कि 5 दिन में इस कार्यालय से अगर तब तक नहीं आएगी कृत कार्रवाई की आख्या, तो 7वें दिन तक के लिए एक अल्टीमेटम होता है कि 7 दिन में तो देना ही देना है, और यदि तब भी निस्तारण नहीं होता और पुनः कोई लौट के आता है तो फिर थाना अध्यक्ष स्वयं आएंगे बताने के लिए कि क्यों जो प्रार्थी है उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे हमको उम्मीद है और मुझे कई थानों में लग भी रहा है कि एक प्रभावी बदलाव आया है और कुछ थानों ने इसको गंभीरता से लिया है और वहां से आने वाले आवेदकों की संख्या में भी प्रभावी कमी आई है पहले के सापेक्ष। जैसा कि चित्रकूट जिले में ऐसे लगभग 5-6 थाना ऐसे हैं जहां पर लगातार फरियादी आते हैं, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है और वो आप तक आते हैं, तब जब आपके पास आ जाते हैं फिर इसके बाद सुनवाई हो जाती है, ऐसा क्यों? ये देखिए, ऐसा नहीं है। कई थानों का एक ये एडवांटेज होता है कि जैसे करवी है और हम भी करवी में हैं, तो इसलिए लोगों के लिए आना बहुत आसान है और उनको लगता है कि दोनों जगह पे प्रार्थना पत्र दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से कुछ ही थानों से ज्यादा आ रहे हैं, और जिनसे पहले लगा शुरुआत के दिनों में कि ज्यादा है उनको सख्ती से कह दिया गया है। और अब लगभग जो प्रार्थना पत्रों की संख्या है वो जो विभिन्न थानों का जो एक क्राइम का रेट है उसके अनुसार ही है। जैसे कि हमारे साथी अभी श्रीमती वीरेंद्र शुक्ला जी पुलिस अधीक्षक महोदय, और जैसा कि बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, और अभी जो बदलाव कह रहे हैं नजर आ रहा है, जैसा कि पहले काफी फरियादी आते थे अब उसमें से कम देखा जा रहा है। लोकमंच से दिनेश सिंह कुशवाहा, चित्रकूट।